शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन कृष्ण सदै सन्तु निरभया सदै भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चि दुर्भावने हरिओं शांति 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 ओम प्रभो स्त्रे भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाचाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु श्री कृष्णा शरणम मम श्री कृष्णा शरणम मम श्री कृष्णा शरणम अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों प्रभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों कीजिए अपने मन को एकाग्र जोड़ दे भगवान जी के चल रहे इस साधना में बहुत ही लाभकारी प्रसंग में एकाग्रता कंसंट्रेशन या यक्षुई देवी और सज्जनों इतनी तो भगवान की कृपा से हमने जान लिया मन को चारों ओर से हटाकर एक विषय में लगाना एकाग्रता कही जाती है। क्यों एकाग्र होना चाहिए? मन को एकांत में बैठ के समझाना चाहिए। जो इसकी मांग है वो एकाग्रता से पूरी होती है। मन की मांग है सदा रहने वाली शांति। हम सारी बातें छोड़ते हैं तो सदा रहने वाली शांति जिनको मिली कहां से, जब वो एकाग्र होके बैठेगा चुपचाप होगा तब इसकी मांग पूरी हो जाएगी। चूंकि हम मन ने जान भी लिया है, हम सब ने मान भी लिया है, क्या मन के टिकाव का नाम सुख है, मन की भटकन का नाम दुख है। गौर से सुनना जरा, तो मन टिका रहे बहुत अच्छी बात। यही एक गर्मा गर्म कामना पैदा कीजिए कि मेरा मन भटके नहीं, मेरा मन टिका रहे। मन टिकेगा तो तन भी नहीं भटकेगा, तन भी बेचारा आराम से जिंदगी काट लेगा। मन की मूर्खता के कारण से तन भी हैरान परेशान है। तन बिचारे को दंड मिल रहा है भगवान जाने क्यों, कसूर तो मन का है, दुख पाता है तन, धक्के खा रहा है हेयर देयर एवरीवेयर। जैसे नलायक मूर्ख और शराबी के हाथ में नई कार हो, घुमाता फिरता इधर उधर चारों ओर चक्कर काटता फिरता है, यही हाल इस सुंदर काया का है। बार मुखी मन के हाथ में काया है जो इस बिचारे को बेचारी काया को जलील कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो मन को समझाया मेरे देवियों सजनों, एकाग्रता से तेरी बात बनने वाली है। तो कितनी बारी भूल है, संसार के प्राणी पदार्थ हमें एकाग्र नहीं कर सकते, हमें विक्षेपता में डाल देंगे। अगर और एकाग्र जो मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों? संसार के प्राणी पदार्थों को आशा रख के लिया जाता है। हाय हाय, हम संसार के किसी भी प्राणी को पदार्थ को प्राप्त कर लेती हैं आशा रखकर, ये वस्तु मेरे पास आ गई ना मेरी शांति में बढ़ोतरी हो जाएगी, मेरी खुशी बढ़ जाएगी, मेरे चार दिन जिंदगी के अच्छे कटेंगे, मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल हो जाएगा। इस तरह की विचार बनाता है मन, फिर दिन रात यही कर देता है उसको प्राप्त करने के लिए, फिर प्राप्त करके उसकी रक्षा करता है। जैसे मैंने कई बार कहा, जिंदगी कट कैसे रही है 99% की अटेनिंग मेंटेनिंग में, प्राप्त करना फिर प्राप्त हुई वस्तु की रक्षा करना। इसके हमारे एक शब्द है योग क्षेम, योग क्षेम में जीवन कट रहा है। योग मैंने प्राप्त करना, क्षेम मैंने उसकी कुशलता का प्रबंध करना कि यह वस्तु आप बनी रहे मेरे पास। एक बात देखना, मैंने कहा भगवान जी बता रहे गए, मेरे मुख से बेवकूफी से निकल जाता है मैंने कहा, ये मेरी बेवकूफी मुझे क्षमा करना, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, जो भगवान जी कह रहे, साधारण शब्दों का प्रयोग करता हुआ बताने की चेष्टा करता हूं, फिर भी स्वभाववश कभी कभी मुख से निकल जाता है, मेरे प्रभु क्षमा करें। तुम्हारा जी बड़ी ये पत्ते की बात बता रहे, बड़ी पत्ते की बात समझाए जा रहे हैं।
आशा से प्राणी पदार्थों को प्राप्त किया जाता है, और एक ही आशा है कि इसकी प्राप्ति के बाद मेरी खुशी में बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल ठीक। फिर जब उस वस्तु को हमने लिया, उसके हम उपभोक्ता यानी कंज्यूमर बनते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने वाले को उपभोक्ता बोलते हैं, इंग्लिश में आप कहते हैं कंज्यूमर, जो उसे कंज्यूम कर रहा। हाँ, कुछ दिनों के बाद जितनी आशा रखी थी, गौर कीजिए, गौर कीजिए, जो आशा रखी थी उससे उतनी खुशी नहीं मिलती, अर्थात हमारी तसल्ली नहीं होती है, हमारी तृप्ति नहीं होती, धीरे धीरे करके निराशा छाने लगती है। देखना इंसान की गिरावट, मन में विक्षेपता आने लगती है, विक्षेपता बढ़ती है। मैंने क्या सोचा था, मैं बीए कर लूंगा, एमए कर लूंगा, ये हो जाएगा, वो तो बात बनी नहीं। मैं नौकरी ले लूंगा, नौकरी तो मिल गई है, पर जितनी मेरे पास डिग्रियां है और जितनी मेरे पास, ये उसके मुताबिक तो है ही नहीं। अगर उसके मुताबिक मिल गई तो जिसके अंडर में आऊं, मेरा जो इमीडिएट बॉस है, वो मेरे पे खुशी नहीं है, उसका स्वरूप बड़ा गंदा है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमी आपको नजर आएगी, खुशी में बाधा बन जाती है। आप ये मन रखिए, और आपको आपका आपका अनुभव ये है कि संसारी प्राणी पदार्थों को प्राप्त करने के बाद हमारी आशा पूरी नहीं होती, हम निराशा में चले जाते हैं। लो, अब यही धोखा देने वाला मन, धोखेबाज, संसार से नई कामना शुरू कर लेगा। चोट लग जाती से तजर्बा हो गया था, नई कामना ना करता फिर नई कामना कर लेगा। अच्छा अच्छा, मुझे तृप्ति इसलिए नहीं हुई कि मुझे फला चीज नहीं मिली, फिर उसके लिए दिन रात एक कर देगा, उसका कंज्यूमर बनेगा, फिर वही हाल, वही घाट के, वही अपने कुछ नहीं आता आएगा। इसी तरह जिंदगी अपनी अनमोल तबाह करता जाता है। मन ये ले लू मैं बिल्कुल शांत हो जाऊंगा, ये प्राप्त कर लू मेरी खुशी में बस बढ़ोतरी बढ़ोतरी आएगी, निराशा हुई मन में बेचैनी हो गई, इसलिए हम नई कामना शुरू करते हैं। मतलब क्या हुआ, मन में तृप्ति हो ही नहीं सकती प्राणी पदार्थों को प्राप्त करने में, क्योंकि प्राणी पदार्थ ससीम है, लिमिटेड है और परिवर्तनशील है। दो शब्द ले लो ना, ये ससीम है, टाइम स्पेस और कॉज में है, देश काल और पात्र में चीजें हैं, जो देश काल पात्र में होती है वो सीमा में होती है, जो सीमा में होती है उन्हें परिवर्तन जरूर होता है। बस फिर शिकवे, जितनी हम चाहते थे वो तो मिली नहीं शांति, अब लोग गिले शिकवे शिकायत, मन की भटकन, तो मन की भटकन तो फिर दूर ना हुई। मन एकाग्र तो 4 दिन 10 दिन रहा जरूर, कोई भी प्राणी पदार्थ लेते हैं थोड़े दिन तो मन की एकाग्रता बननी रहती है, लेकिन जब देखती जो मैं चाहता हूं तो इससे मिली नहीं, तो मैं तो बुद्धू हूं जो होपिंग अगेंस्ट होप करता रहा, होपिंग अगेंस्ट होप, मैं उम्मीदें क्या बनाता रहा, और ये तो मेरी उम्मीद यहां से पूरी ना हुई। संसार का कोई प्राणी पदार्थ आज तक किसी की भी उम्मीदें पूरी नहीं कर सका। याद रखना देवी, कितना दलेराना ऐलान है अपने अनुभवी महापुरुषों का, संसार का कोई प्राणी कोई पदार्थ आज तक किसी की उम्मीद पूरी नहीं कर सका, चूंकि बजाते खुद आप परिवर्तनशील है। अगर परिवर्तनशील ना हो तो आपकी मुराद पूरी हो जाए, मेरी भगवती आपकी कामना पूरी हो जाए, पर उसमें तो परिवर्तन आएगा आएगा, हमारा मन बेचैन हो जाएगा, हमें पूरी तसल्ली मिलनी नहीं। इसलिए दाना आदमी इनसे उम्मीदें हटा लेती है। संसार तो भगवान का बना ही रहेगा जब तक भगवान चाहेंगे, पर हमारे लिए संसार नहीं रहेगा, क्यों, हम इससे उम्मीद ही नहीं रखते। संसार के कई प्राणी पदार्थों से आपने उम्मीदें छोड़ ली है, मानो आपके लिए सिनेमा है ही नहीं, मानो आपके लिए क्लब है ही नहीं, है, मानो आपके लिए शराब खाने अंबाला में है ही नहीं, आपके लिए पार्क है ही नहीं। बिकॉज देयर इज नो डिमांड एट ऑल। जब डिमांड करती है तब कोई प्राणी पदार्थ में अपनी ओर खींचता है, अपने आप इसी प्राणी को कितना दिलेराना ऐलान है, अपने आप किसी प्राणी पदार्थ में शक्ति नहीं कि हमें अपनी ओर आकृष्ट कर सके या अट्रैक्ट कर ले, नहीं, हम हमारे चाहने से वो प्राणी पदार्थ में ताकत आ जाती है। ये पॉइंट पकड़ लो,
और हम चाहते हैं अपनी अज्ञानता से, अगर ये ज्ञान भली प्रकार हो जाए ये तो परिवर्तनशील है, ये तो मेरे मन को और भटका देंगे, ये तो मेरे भगवान ये नहीं चाहते कि तुम दुनिया को छोड़ के चले जाओ, भगवान ये चाहते हैं दुनिया का सहारा ना लो, दुनिया की इच्छा ना करो। अब ये नुक्ता, ये फार्मूला, ये जरूरी बात शुरू से बताई जाए तो कितनी अच्छी बात, तो कोई भी नहीं बताता कि सहारा किसी का न ले एक पल। क्यों? क्यों? चूंकि आशा रख के इनको लिया जाता है, मैंने अभी कहा, और आशा ये पूरी कर नहीं सकते। आहा, रुको और सोचो, बड़ा इंकलाबी पॉइंट। आशा रख करके हम मां जी को, पिताजी को, बहन को, भाई को, पत्नी को, पति को, पुत्र को, नौकरी को, या संसार संबंधी जो भी प्राणी पदार्थ है प्राप्त करती है, लेकिन उसमें इतनी कैपेसिटी कहां है वो मेरी हमारी आशा पूरी करे है? वो अपने आप में परिवर्तनशील है, सब्जेक्ट टू चेंज। एवरी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट एंड एवरी थिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज। बिठाओ ना अपने मन में, मेरा यह रहना सफल कर दो, इतनी सी बात आप में बैठ जाए, मेरा यह रहना, चार फुलके खाना, बिल्कुल सफल हो जाएगा। संसार की हर चीज परिवर्तन के अधीन है। एक छोटी सी लाइन बोल रहा हूं, सब्जेक्ट टू चेंज, एवरी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्ट टू चेंज, इज बाउंड टू चेंज। कोई वस्तु का मैं नहीं बदलूंगी, पर दैट इज बाउंड टू चेंज, बदल के रहेगी, जरूर बदलेगी, मालिक ने नियम बना दिया। आप जैसे अपना मन छोड़ देंगे, अब क्या हो? पहले ये बात बिठाई, मैं फिर आगे चलू। संसार का कोई प्राणी पदार्थ मेरी आशा पूरी नहीं कर सकता, हमारी एक ही आशा है सबकी, मैं हूं या आप, या कई हो गए, कई हो रहे हैं कि आगे प्राणी पदार्थ आएंगे, ऐसी खुशी मिले जो गमी में न बदले। आहा, सुन मेरी देवी, ऐसी खुशी मिले जो गमी में न बदले। है किसी प्राणी पदार्थ में इतनी ताकत कि हमें स्थाई खुशी दे? ऐसी खुशी मिले जो गमी में न बदले, इसका मतलब क्या हो गया? स्थाई खुशी, परमानेंट हैप्पीनेस, इसका वन वर्ड क्या होगा? ऐसी खुशी मिले जो गमी में ना बदले, स्थाई खुशी, प्रीनियल खुशी, प्रीनियल हैप्पीनेस, अटर्नल हैप्पीनेस, शाश्वत शांति, ये प्रायवाची शब्द है। हाँ, प्राणी पदार्थ सब्जेक्ट टू चीज है, इतनी सी बात तो बिठा लो कि सारे संसार के प्राणी पदार्थ परिवर्तन के अधीन है, तो सब्जेक्ट टू चेंज का मतलब परिवर्तन के अधीन, इनमें परिवर्तन हो के रहेगा, जिसमें परिवर्तन हो जाएगा वो आपको पूरी तृप्ति नहीं दे सकते। भगवती स्यानी बन जा, गीता जी के चरणों में आकर स्याने बन जा। गीता तो लाजवाब, चोटी का अनुपम, अनयूनिक, अनपैरेलल, मैचलेस शास्त्र है। इसके जोड़ का भगवान के चरणों की सुगंध कोई शास्त्र ही नहीं, इसलिए से शास्त्र कह रहे, मैं मूर्खता कह रहा अपनी समझता हूं, महाशास्त्र है। त्रिलोकी में यही तो एक शास्त्र है जिसको शब्द लगाया जा सकता है, महाशास्त्र है, द ग्रेटेस्ट होली बुक है, द ग्रेटेस्ट, जो कि आपकी पूरी सेवा करती है, पूरी सेवा, और आपके बनाने वाले में तलीन कर देती है, इससे बढ़ के और क्या हो? आपकी पूरी सेवा करती है, आपकी मांग को पूरा करती है, और जिसने आपको बनाया है उसमें तलीन कर देती है, और वो भी बड़ी जल्दी अगर समझ आ जाए तो। खुद भगवान अपने मुंह से कह रहे, कभी आपने सोचा नहीं, बिना भगवान के ये और कौन कह सकता है? क्या ये भगवान के मुंह से? हाँ, नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान के, इस ज्ञान से बढ़कर आपके अंतःकरण को निर्मल करने वाला और कोई साधन हो ही नहीं सकता। ये सिद्धांत भगवान ने बनाया और ये सच्चाई प्रकट भी उन्होंने अपने श्रीमुख से खुद की कि ज्ञान से बढ़कर आप कर्तव्य को निर्मल करने वाला और कोई साधन नहीं। That is the only means to end. This is means to end. ये साधन है साध्य के लिए, साधन है साध्य के लिए, बहुत ही कमाल का साधन है। दो शब्द पकड़ो अपने राष्ट्रभाषा के, साधन है साध्य होता है जहां अपने पहुंचना होता है, भगवान के लिए
साधन साध्य, कितने प्यारे शब्द है अपनी भाषा के, साधन है उस साध्य के लिए जिसे आप प्राप्त किया चाहते हैं। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। मन एकाग्र कैसे रहे ये विषय जारी है। स्थाई रूप में एकाग्र तो रहता है, स्थाई रूप में नहीं रहता। हमने अपनी मूर्खता से संसार के प्राणी पदार्थों में आशय रखी है। अब भी अगर दूर न करो तो आपकी मर्जी, आपकी मूर्खता होगी। आप ठंडे दूध को फूके मार रहे होंगे, हैं? आप इतने स्वर्ण अवसर का पूरा लाभ नहीं उठा रहे होंगे कि प्राणी पदार्थों से आशा नहीं रखनी, क्योंकि हमारी आशा यही है, एक ही आशा है, वो खुशी जो कभी गमी न बदले। हम ये प्राप्त करना चाहती है। प्राणी पदार्थ कहती है हम तो खुद बदल जाती है, हम तुम्हें ये खुशी कहां से देंगे, हम तो खुद बदल जाती है। अबाला में एक घटना घटी जिसका निर्णय मेरे पास लेने के लिए कुछ समय हुआ आए। पिताजी एक लड़की की मंगनी कर रही है और उधर से वो पत्र लिख रही है, ना मेरे साथ पिताजी आपके पास आए मंगनी ना करना, मैं आपके साथ शादी नहीं करूंगी, आपके जीवन में खुशी नहीं ला सकती, क्योंकि मैं आपके पास रहना ही नहीं चाहती। उसकी परिवार गया कि आपने कहा था हम आ रहे गए, ये पत्र पढ़ लो अपनी लड़की का, है ये तो हमारी लड़की का हैंडराइटिंग है, ये नाम भी उसी का है, तो जिसके लिए आप आए थे वो तो ये लिख रही है कि अपने जीवन को बर्बाद ना करना, मैं आपके पास नहीं रहूंगी। जब उन्होंने कुछ निर्णय लेना चाहा मेरे से, मेरी रो पड़ा मैं, है हमने आपके मन को दुखाया, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारी लड़की नहीं बोलती, दुनिया का हर प्राणी पदार्थ बोल रहा है मेरे साथ शादी ना करना, मैं तुम्हारी मांग ही पूरी कर सकती। एवरी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट स्पीक्स इन स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस लैंग्वेज कि तुम मेरे साथ ना मिलाप करना, दुनिया का हर प्राणी पदार्थ कह रहा है, क्या मेरे साथ ज्यादा ना करना, मैं तुम्हारी मांग ही पूरी कर सकती। क्यों? परिवर्तनशील, सारी चीजें परिवर्तनशील है। ये बात बिठा लो अपने मन में, मैं बहुत सुख पा रहा हूं इस सिद्धांत को अपने अंतःकरण में सुचारू स्थान देकर। आप ही अपना एक अच्छा स्थान दे दो इसको कि प्राणी पदार्थ सब्जेक्ट टू चेंज है। इसलिए ये हमारी मांग क्या है, मैं फिर बार बार कही जा रहा हूं, ऐसी खुशी जो गमी में ना बदले। मैं, आप, माताएं, बेटियां, हमने हर छोटा बड़ा काम इसी उम्मीद पे किया, हमने इतनी पढ़ाई की इसी उम्मीद पे की, फ्यूचर मस्ट बी ब्राइट। हर काम जो कर किया है इसी उम्मीद को रख करके, पढ़ाई, कमाई, शादी, मां बाप बने, बड़ी बड़ी पदवियां ली, इसी उम्मीद को रखकर। और मैं क्षमा चाहूंगा, अगर हम यहां भी आती हैं तो यही उम्मीद रख के आती, उम्मीद वो भी वही गई, सिर्फ चेंज हो गया। हाँ, उम्मीद आई मन में है कि इस तरीके से मुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो गमी में नहीं बदलेगी। मैं कहता हूं 100 जन्म ले ले ये नहीं जाएगी। कोई जवाब दे सकता है मन की ये क्यों मांग है, ऐसी खुशी जो गमी में ना बदले? सोचिए जरा, मन की ये मांग क्यों है? मैं कहता हूं 100 जन्म भी ले लो तो अभी यही मांग रहेगी। बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छे, कल की कसर निकाल रहे हो आप, कल आप फेल थे, आज आप सारे पास है, क्योंकि मन भगवान का अंश है और भगवान आनंद के घर। माइंड इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी। हाय, भगवान गीता जी ने 10वें अध्याय में कह रहे इंद्रियों में मन में। अब अंश होने कारण से वो अंशी का स्वभाव छोड़ नहीं सकता, अंश और अंशी। बेटे ये हमारे शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा के, अंश और अंशी। अंशी वो होता है जिसका वो अंश हो। अब मन चूंकि उनका अंश है और भगवान का है आनंद के घर, तो ये आनंद का स्वभाव छोड़ ही नहीं सकता, पेट तुम्हारे वो नहीं छोड़ेगा। सास ने बार बार आपको कहा बेटी तो पेड़ा कैसे बनाती है, कैसे बनाती हूं तू, ये पेड़ा करके उसे लंबा करके फिर तू यूं बनाती है। मां जी मैं ये स्वभाव नहीं छोड़ सकती, मेरी मां ऐसा करती थी, तो मैं वहां पर 25 साल रही हूं तो मैं ऐसा ही करूंगी। ये कैसे करती है, सीधा कर बताए, यूं दो चक्कर दिए यूं कर दिया, नहीं मैं यूं चूथी बना के फिर यूं करती। हाय मेरा रब्बा,
अब उस माँ के इसके कति से स्वभाव बनाओ, हमारे मन का स्वभाव बना हुआ है भगवान की ओर से सुख जाना, शांति जाना। वैसे काफी बातें अपनी माँ से लाती है, सास आपकी पिट भरे आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपके मन में गहरी उतर गई है। हाय गए हाय गए, बड़ी गहरी उतर चुकी है। 25 वर्ष आप माँ के पास रही हो और आप माँ का अंश हो, शाबाश। मन भगवान का अंश है, शायद इसकी एक ही कामना है। हम कहते मन की अनेक कामना है, गलत। अनेक कामनों के पीछे भी एक ही कामना है। दुनिया में कामना बहुवचन नहीं होती, ये हमारे वैदिक धर्म ने घोर तप करके आपको बताया कि कामना का बहुवचन नहीं होता। जैसे आप कहें कि जिसके पीछे वाई हो वो उसके बहुवचन में IES लगा देती है, लेकिन कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनका बहुवचन नहीं होता, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इसका बहुवचन नहीं होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बहुवचन नहीं होते। हाँ, आप ये नहीं कहेंगे हंड्रेड्स लाख LAC लाख ऐसे नहीं लगता, वो पहले लाख है। आप कहेंगे 3 लाख नहीं, ऐसे बहुवचन नहीं बनते। इसी तरह कामनाएं नहीं, व्यास जी की बड़ी मेहरबानी हमारे पर, कामना नहीं होता, कामना एक ही है। फिर भी अगर हम ना समझे हमें कौन सियाना कहेगा। बड़ी ध्यान देना, कामना का बहुवचन नहीं होता, कामना मस्ट बी वन। और एक ही कामना इंसान लेके आया है मनुष्य योनि में, जो मैं आ पाए गए 4 दिन आराम से काट लो। बड़ी हैरानी की बात है, भगवान ने विशेष बुद्धि भी दी है फिर भी नहीं पता लगता क्या मैं आराम से कैसे दिन काटू। इतनी अज्ञानता छा गई, माया ने इतने पर्दे डाल दिए। मैं यही कह लगे मैं पढ़ाई कर लूं, मैं कमाई कर लूं, मेरी आपके साथ शादी हो जाए। आप कहती मेरी फलाने के साथ शादी हो जाए, मेरी गोद हरी हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरे पास घूमने फिरने के लिए कोई कार या कोई ऑटोमोबाइल हो जाए, बहुत माय फ्यूचर विल बी वेरी वेरी ब्राइट। कितनी भूल है इंसान की, बेसिकली फिलोसफिकली साइकोलॉजिकली ये बिल्कुल रॉन्ग बातें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ऐसा कोई इंसान को के बच्चे को समझाता नहीं, क्योंकि माँ बाप खुद गुग्गू है। आजकल के पढ़ाने वाले हमारे टीचर्स वो सारे माफी चाहूंगा आउटगोइंग है, बैठे हुए देर आर, उनकी टेंडेंसी क्या है आउटगोइंग, वो क्या है एक्सट्रोवर्ट है इंट्रोवर्ट नहीं, वरना कुछ उनका तजर्बा होता। इसलिए पढ़ने वालों का टीचर एंड टॉट का प्रभाव एक दूसरे पर बड़ा जोरदार पड़ रहा, पेरेंट्स और बच्चों का प्रभाव बड़ा जोरदार पड़ रहा एक दूसरे पर। जो प्रभाव वो प्रभाव पड़ता है, इट इज नॉट गुड इफेक्शन, इट इज बैड इफेक्ट, जो है बड़ा बैड पड़ रहा। तो सुनिए इस बात को, कामना का बहुवचन नहीं होता, कामना एक ही रहती है। और वो हमारी एक ही कामना है 4 दिन आराम से काटू, कैसे उसी से आराम से दिन कटेंगे। गीता कृष्ण कहती है जिसमें परिवर्तन न हो, ध्यान से सुन लेना, हमें सदा रहने वाली शांति कौन देगा। जो अपने आप में ना बदले, अपने आप में ना बदले, जिसमें परिवर्तन ना हो, नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, नॉट सब्जेक्ट टू डेथ, नॉट सब्जेक्ट टू रीबर्थ, मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा, जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसकी मृत्यु ना हो, जो आवागमन के चक्कर में ना आए, वो कौन है। परमात्मा मतलब कौन, परमात्मा इस सृष्टि को बनाने वाला। आज नलायक मूर्ख बच्ची मेरी यंगस्टर्स परमात्मा की जरूरत ही समझते, उनकी बुद्धि पर पर्दे हैं, उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि जिस जो मेरी मांग है वो केवल भगवान पूरी कर सकते हैं। हमारे सबकी मांग, चाहे नास्तक बैठा हुआ यहां पर, चाहे कोई कटाक्ष करने के लिए आया हो, मैं तो कहता हूं कटाक्ष रच के करो अगर कर सकते हो तो। कई कटाक्ष करने वाले आए, बड़े प्रेमी बन गए यहां के, कि हम किस बात पर कटाक्ष करें, ये तो सिद्धांत है। ये मेरे बच्चे कह रहे थे अब कटाक्ष भी आए तो थे, हम कटाक्ष करने पर बात किस, कौन सी कटाक्ष करने वाली है, ये तो हमारे भगवान का फरमान तो कटा, ये तो सिद्धांत है। जो चीज चेंजेबल होगी वो कभी परमानेंट हैप्पीनेस दे नहीं सकती, उसने बदल जाना। हाँ, तो फिर अनचेंजेबल वही वस्तु होगी कौन, भगवान की, जो इस सारे संसार के रचयिता है। भाई इतनी सी बात हमारे मन में बैठ जाए, फौरन आस्तिक बन जाएंगे, हम फौरन भगवान की ओर टर्न कर जाएंगे। जरूरत क्या अनिवार्य समझेंगे, हम वी विल फील असेंशियल समझेंगे,
कि ये हमारे लिए मोस्ट असेंशियल है, हम इसके बिना रह ही नहीं सकते, ये भाव बन जाएगा मेरी भगवती, वी कैन नॉट डू विदाउट। अभी तो कह रहे जरूरत ही करी भगवान की, फिर आपकी मांग होगी कि हम इनके बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि जो मेरे मन की मांग है वो भगवान पूरी कर सकते हैं। ऐसा सोचो, ऐसी विचारधारा बनाओ, जो हमारी मांग है वो केवल केवल सब लगाना, वो केवल भगवान पूरी कर सकते हैं। सदा रहने वाली खुशी, सदा रहने वाली खुशी वो दे जो हमें तृप्त कर दे। तृप्ति क्या होती है? आपने भोजन किया, चार फुलके लिए, बस माँ जी माता जी बस मेरी तृप्ति हो गई, तृप्ति का मतलब मुझे और नहीं चाहिए। दुनिया में कौन सी ऐसी प्राणी पदार्थ है जिसके प्राप्त करने के बाद रखो सीने पे अपनी गीता और मेरे से दो बातें कर लो? क्या कोई दुनिया में ऐसा प्राणी पदार्थ जिसके प्राप्त करने के बाद और किसी पदार्थ और प्राणी की इच्छा न रहे? हाय हाय, ये मेरे भगवान का चैलेंज है। गीता कृष्ण चैलेंज देती है, चैलेंज को आप बोलेंगे अपनी भाषा में चुनौती, वेरी गुड। ये भगवान की चुनौती है मूर्खों के लिए कि दुनिया में कोई ऐसा प्राणी पदार्थ नहीं जिसके प्राप्त करने के बाद आपके कोई इच्छा न होती है। क्यों? सारे परिवर्तनशील अधूरे हैं, हम इनको प्राप्त करेंगे, कंज्यूमर बनेंगे और तृप्ति होनी नहीं, देन न्यू डिजायर, फिर उसको प्राप्त करेंगे, फिर उसके कंज्यूमर बनेंगे, फिर तृप्ति नहीं होनी, देन थर्ड वन फोर्थ वन सो ऑन एंड सो फोर्थ, हमारी आयु से तबाह हो जाएगी। उम्मीदें रख के इनको प्राप्त करती है, बड़ी मिहनत मारती है, इनको उपभोक्ता बनती है, फिर तृप्ति नहीं होती, तृप्ति हो ही नहीं सकती इनसे, क्योंकि दीज आर ऑल सब्जेक्ट टू चेंज एंड सब्जेक्ट टू डेथ। हाई लो, अभी से हम इनकलाबी बन गए, हम बिल्कुल टर्न कर गए इधर भगवान की ओर। अब भगवान हमारे जीवन का क्या हो जाएगा? असेंशियल क्वालिटी हो जाएगी, एक हमारी हमेशा के लिए डिमांड जाएगी, अगर इस तरह विचारधारा बनाई जाए। वरना धक्के ही धक्के खा रहे जीव, धक्के खाई जाएगा धक्के, अगर भगवान को अपने जीवन का असेंशियल नहीं मानता, धक्के किसी प्राणी पदार्थ ने तृप्ति देनी नहीं, खाओ धक्के, आइए कल ये इधर इधर इधर, यू जीव अपने आप को तबाह कर लेगा। बेचैन होके आया, बेचैन रहा, बेचैनी लेके मर गए, करोड़ों व्यक्ति इसी जुमरे में हारेंगे, बेचैन होके आए, बेचैन रहे, बेचैनी लेके मर गए, क्योंकि वो अपने चैन लेना चाहते हैं प्राणी पदार्थों से, वो इनमें कैपेसिटी है नहीं, इसलिए इंसान की एकाग्रता बन ही नहीं सकती, एकाग्रता नहीं बन सकती तो शांत रह नहीं सकता है। चूंकि शांति कहां मिलती है, जरा एक फरमान लो गीता जी का, शांति कहां मिलेगी? एकाग्रता दिले पुर सकूं में कहां आए रंग। कितना प्यारा शब्द भगवान लगाया, प्रसादे सर दुखा नाम हानि अस्य उपजायते। अर्जुन जिसका मन एकाग्र हो गया है, दुखों को हानि हो गई, दुखों के मां बाप मर गए है, परेशानी के मां बाप मर गए, विक्षेपता के मां बाप मर गए, जिसकी एकाग्रता हो गई। कितनी प्यारा फर्क, दिले पुर सकूं अर्थात जिसका मन पूर्ण एकाग्र हो गया, कहां आए रंज के दुख दूर हो जाए मिट जाए। चूमा करो ऐसे फरमानों को, दिले पुर सकूं जिसका पूर्ण एकाग्रता है, और पूर्ण एकाग्रता उसी से होगी जो खुद पूर्ण होगा। वाह वाह महर्षि वेदव्यास, वाह, पूर्ण एकाग्रता उसी से होगी जो खुद पूर्ण होगा। ये खुद ही अपूर्ण है प्राणी पदार्थ, दिस आर ऑल इनकम्प्लीट, तो हमें कंप्लीट हैप्पीनेस कैसे दे सकते हैं? वाह, जो चीज खुद अधूरी हो उससे जो भी हमें मिलेगा वो अधूरी चीज मिलेगी। इनकम्प्लीट, आपका मन रोएगा सुनकर, इनकम्प्लीट सी हम कंप्लीट हैप्पीनेस चाहता हूं। कितना मैं मूर्ख हूं, कितनी मेरी ब्लंडर है, एरर भी नहीं, मिस्टेक भी नहीं, इट इज माई ब्लंडर कि इनकम्प्लीट प्राणी पदार्थ और मैं कंप्लीट चाहता हूं, इसलिए हमारा मन एकाग्र हो ही नहीं सकता। प्रसंग चला हुआ है, स्थाई एकाग्रता कैसे प्राप्त हो? स्थाई एकाग्रता उसी से मिलेगी जो खुद स्थाई हो। आहा, परमानेंट कंसंट्रेशन वी ऑल वांट, तभी तो हमारे मन में खुशी बनेगी, मैं फिर आ जाता हूं वही। मन के टिकाव का नाम आप बोलिए, और मन की भटकन का नाम, जब ये सिद्धांत अकाट्य है,
ये क्रॉस एग्जामिनेशन में या जरा मैं नहीं कर सकता, कोई वकील कोई एडवोकेट इस पर जरा नहीं कर सकता कि मन के टिकाओ का नाम शांति है। तो फिर ये दूसरा मन हमेशा के लिए कैसे टिका रहे, जब इस पर कोई सवाल ही हो सकता, मन के टिकाओ का नाम शांति देवी। ओ मेरे सजनों, तो जब हम सारे मान गए, फिर अगेन क्वेश्चन, क्या मन सदा के लिए कैसे टिका रहे, सदा रहने वाले से ले। सीधा जवाब, जब ये पता लग गया, बड़ा इनकलाबी पॉइंट, बड़ा इनकलाबी पॉइंट। हम सदा रहने वाली शांति चाहते हैं तो उसी से मिलेगी जो खुद सदा रहने वाला, खुद स्थाई हो, खुद परमानेंट हो। वो कौन? केवल भगवान जी, केवल अपने इष्ट देव जी, जिन्हें हम कृष्ण कह के बड़े खुश होते हैं। कोई राम कह के गदगद होता है, कोई वैद्य कह के बड़ा खुश हो रहा होगा, कोई अल्लाह मियां कह करके अपने से बाहर हो रहा। होने दो, हमें इस जन्म में कृष्ण कह के बड़ी खुशी मिलती है, हमें रोमांच होता है, हमारा मन गदगद हो जाता है। उस मेरे प्रभु के नाम तो अनेक है लेकिन सिद्धांत तो एक है। हाय, नाम अनेक सिद्धांत एक, उसका सिद्धांत तो एक है। हमें कुछ ही रहेगा किसी नाम से पुकारे तो उस भगवान से, क्योंकि वो बजाते खुद स्थाई है, तभी तो अस्थाई चीजें बनी है। अगर भगवान को कोई अस्थाई कहेगा तो दो मिनट मेरे से बात कर ले, अगर भगवान भी अस्थाई, जहां भी अस्थाई, तो ये अस्थाई संसार एक सेकेंड नहीं रह सकता है, क्योंकि ये चक्कर में है, ये चीज सब चक्कर में, गर्दश में है। गुरुदेव ने हैरान कर दिया था जापान वालों को, ये प्रश्न वहां हुआ मेरी बेटी, जापान में पहला लेक्चर स्वामी जी का हुआ, गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण महाराज जी का। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानते, क्योंकि एवरीथिंग इज इन सर्कल। ये वहां के प्रोफेसर ने, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने कहा नो स्वामी, एवरीथिंग इज इन सर्कल। स्वामी जी ने बड़ी ताड़ी मारी, जो खुद चोटी के मैथमेटिशियन थे, एवरीथिंग इन सर्कल। हा, तो स्वामी जी कहते सर्कल ड्रा करके दिखाओ। बाका बोर्ड के ऊपर स्वामी जी और प्रोफेसर आ गए, आप आइए कम ऑन एंड ड्रा योर सर्कल। बीटी हैरान की उस वक्त आर मंगवाई गई, प्रकार। अब प्रकार में दो सिरे होती हैं, प्रकार भी हमारी गुरु बन गई। प्रकार में दो सिरे, एक पेंसिल वाला और एक सुई की तरह बड़ा तेज। अब जब हम एक दायरा लगाते हैं, कितने इंच का दायरा लगाना हो तो उसने इंच फुट्टे पर रखा और इतना आर बना ली, आप उससे दायरा लगा रहे, तो सुई वाला सिरा एक जगह पूरा रूपेण फंसा दिया जाएगा, या कहूं मैं टिका दिया जाएगा, या स्टेबलाइज कर दिया जाएगा, पेंसिल वाले सिरे को घुमाया जाएगा। लेकिन ये कायम है, ये दायरा लग रहा है, और जहां से ये चला है चक्कर काट के फिर वहीं आ जाएगा, लेकिन ये कायम रहेगा। इस तरह परमात्मा सर्वव्यापी में स्टेबलाइज है और त्रिलोकी उसके इर्द गिर्द घूम रही है, ये चक्कर चल रहा है। अगर कोई नलायक कहे कि परमात्मा भी चक्कर में आए, लगाओ दायरा। इफ यू से एवरीथिंग इज इन सर्कल, तो सर्कल ड्रा करने वाला कौन है? हु इज द ड्रॉअर? क्षमा मांगी गई स्वामी जी से, जो ड्रा कर रहा है सर्कल उसको भगवान कहते हैं। जो सारी त्रिलोकी के इर्द गिर्द, त्रिलोकी जिसके इर्द गिर्द परिक्रमा कर रही है, आर का एक सिरा जो चक्कर काट रहा है, किसके? एक सिरा कायम है। लेकिन वन मस्ट बी स्टेबलाइज्ड, वन थिंग मस्ट बी स्टेबलाइज्ड, तब अगला सिरा उसके इर्द गिर्द चक्कर काट के वहीं आ जाएगा जहां से दायरा शुरू हुआ था। हाँ, तो ये सारी चीजें चक्कर में गए, एक दिन वहीं आ जाएंगी जो चक्कर चला रहा है उसी के चरणों में आ जाएंगे, तब आप परले कहेंगे बेटी, तब वो परले होगी, सब चीजें वहीं आ जाएंगी, प्रकृति का नियम है। अगर इस तरह विचार करें, एक भगवान की जात कायम है जो सारी सृष्टि को चक्कर में डाले हुए है, उसी के अंडर, उसी की सुपरविजन में, अच्छा ये सब कुछ हो रहा है। वही ऑर्गेनाइजर है, सुपरवाइजर है, डायरेक्टर है ऑपरेटर है, क्या क्या नाम लू, ऑपरेटर, डायरेक्टर, ऑर्गेनाइजर, हाँ, और ये सब कुछ उन्हीं के अंडर हो रहा है। जब ये जान लिया जाए, मान लिया जाए, आपके सर की कसम, हमारा मन उन्हीं के चरणों में गिर जाए,
नाउ यू अटेन परमानेंट कंसंट्रेशन, इन अदर वर्ड्स परमानेंट हैप्पीनेस, बिकॉज देयर इज वेयर देयर इज कंसंट्रेशन देयर इज परमानेंट हैप्पीनेस. नाउ यू कैन, नाउ एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर कि आपने राइट डायरेक्शन ले ली. अब दुनिया वाले पढ़ लिख के धक्के खाए जा रहे हैं प्राणियों में, पदार्थों में, प्राणी में, पदार्थों में, जो सब सब्जेक्ट टू चीज है, सब्जेक्ट टू डेथ है, सब्जेक्ट टू डीके है, सब्जेक्ट टू डीके सारे प्राणी पदार्थ. इसलिए कोई शांति नहीं, सब दुखी दुखी दुखी, चूंकि उन्होंने संसार को अपना खुशी का आधार बनाया हुआ है. और संसार क्या है? संसार परिवर्तन के अधीन है. परिवर्तन के अधीन. जी हां, एक बात और कहूं, आपके परम पिता व्यास जी फरमाते हैं, जो आपके भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता है, द डिवाइन फादर ऑफ क्या हिंदू रिलीजन, हिंदू सभ्यता और संस्कृति, हमारी हिंदू कल्चर एंड सिविलाइजेशन, क्या फरमाती है? जो खुद किसी के अधीन होगा, हा वो आपका कल्याण नहीं कर सकता. हाय, जो खुद किसी के अधीन होगा आपका कल्याण नहीं कर सकता, किसी का कल्याण नहीं कर सकता. जो खुद किसी के अधीन होगा, शरीर पूर्ण रूपेण मन के अधीन है, मन पूर्ण रूपेण बुद्धि के अधीन है, और ये तीनों पीछे आत्मा के अधीन. बदलो अपने विचारों को, गीता पढ़ सुनकर के बिल्कुल बदल जाए मेरी बेटी, बिल्कुल बदल जाए, वरना भगवान कभी नहीं क्षमा करेंगे. उनकी वाणी सुन के भी अगर हम नहीं बदले तो मुझे तो उम्मीद है भगवान नहीं क्षमा करेंगे. ये सारे अधीन है, तन मन के अधीन, मन बुद्धि के इरादा के अधीन, और ये तीनों पीछे शक्ति जो है आत्मा उसकी अधीन. तो फिर स्वतंत्र चीज क्या है? परमात्मा. बाकी सब एक दूसरे के अधीन है, ब्रह्मा जी है, विष्णु महेश सारे उनके अधीन है, ये प्रकृति भगवान के अधीन है. इसलिए भगवान बार बार कह रही है, ये सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दाम मेरे पर. हम अपने प्रभु की शरण तो हमने लेनी है, पर हमने टूटने वाले पदार्थों की शरण ले ली, जाने वाले प्राणी पदार्थ, यही हमने बड़ी भारी भूल की. और कोई हमें समझाए कौन? वो खुद मिट्टी पा रहा है, कौन हमें समझाए? कोई हमें समझा देता, बता देता, कोई भी सारे इस तरह समझाए कौन किसको? है कहे? अब समय आ गया कि भगवान ने हमारी रक्षा की, हमें अपनी चोटी का उपदेश दे रहे, बस हमें सहारा लेने तो आता है, पर अब भगवान का सहारा ले. भगवान का सहारा कैसे लिया जाता है? आप इसे कोई मान गए कि हमें उस वस्तु का सहारा लेना चाहिए जो अपने आप में कायम है, अपने आप में परमानेंट है, अपने आप में स्टेबलाइज्ड है, दैट इज द ओनली एग्जिस्टेंस जिसको हम परमात्मा कहती है, उसका फिर सहारा कैसे ले? उनकी आज्ञा का पालन करे जवाब आता है. और सोचो जी, सहायता और उनका सहारा किस, कितना इनकलाबी पॉइंट है ये. भगवान का सहारा कैसे लेते? आप हैरान हो रहे हो और शायद ही कोई जवाब दे पाए. भगवान का जब ये बात निश्चय हो गई कि बिना भगवान के सहारे के सताई शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि सताई शांति उसी से मिलेगी जो खुद सताई हो, तो इस सारी त्रिलोकी में एक भगवान की जात ही सताई है, बाकी सब चीजें अस्थाई टेम्परेरी. तो भगवान का सहारा कैसे ले? कमले चुप करके बैठ जी. माता दी शाबाश शर्मा, भगवान का सहारा कैसे ले? मन में एक इरादा कर ले. शाबाश बेटी, अपनी जगह तुम बिल्कुल सच्चे हो, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हो वेद, लेकिन गीता के अनुसार नहीं बोल रहे ना भगवान. अब समझ आ गई, यहां तक तो हम पहुंच गए कि भगवान के सहारे के बिना चारा नहीं. फिर सवाल उठता है, भगवान का सहारा ले कैसे? अरे मैं बताता हूं, सुनो, आप शादी करना चाहते हैं, आपने समय लिया कि शादी जरूरी है, तो शादी कैसे करोगे? लो इसी में जवाब है. आप शादी करना चाहते हैं ना, कैसे? और मेरी कमली तेरी शादी कैसे हुई? अपना तजर्बा अपने अपने साथ ले. काका, कोई तेरे और उस लड़के के बीच में पड़ेगा,
एक सेकंड चुकी है, चाहे माँ बाप बीच में पड़े, चाहे बिचोला कोई बीची बड़ी मीडिएटर कोई होगा, सुनो मेरी बात जो मेरे पर बड़ा असर कर गई। आप कहीं जाना चाहते, कोई आपके मीडिएटर बनना चाहिए, कोई इन बिटवीन होगा, इन बिटवीन वाला आई मीन से मैं डिमांड कर रहा हूं और मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेना चाहता हूं और माई सेल्फ एंड द ऑब्जेक्ट इसके बीच में कोई हो, ध्यान दो बच्चे, इसे हम मीडिएटर बोलते हैं या हिंदी में मध्यस्थ बोलते हैं, जो मध्य में टिके, शब्द मध्यस्थ नहीं होता, मध्यस्था है शब्द, मध्यस्था बीच में जो खड़ा है, जो एक हाथ जो वस्तु हम लेना चाहते हैं उसके साथ ही मिलाए हुए है और जो हम उसको बताओ हमारे साथ ही मिलाए हुए, आते मेरा हाथ पकड़े मैं तुझे उसके साथ मिला दू, मध्यस्थ का काम क्या है, नहीं तो मेरा हाथ पकड़ नहीं, हाँ मैं तुझे मिलाऊ तुझे उसको चाहती है, ये बोलते मीडिएटर मध्यस्थ बिचोला। बेटे अब भी नहीं आप समझे मैं अब क्या बोलूं, भगवान का उपदेश जो है मेरी तालीम पर, ओ मेरे कमले आपकी बुद्धि कहां जाती है, भगवान का उपदेश ये मीडिएटर है, फकत शास्त्र को जोर कितारी जोर कितारी जोर कितारी जोर कितारी। अब इतने तक तो आ गई कि हमें भगवान का सहारा लेना चाहिए, कैसे ली, भगवान के उपदेश की द्वारा, बाय मीन्स ऑफ लॉर्ड्स टीचिंग, बाय मीन्स ऑफ लॉर्ड्स प्रीचिंग, और कोई और तरीका नहीं। और यही सोलहवें अध्याय का अंतिम 24वां श्लोक कह रहा है, फकत शास्त्र को, कि अपने शास्त्र को हम गाइड बना ले, फ्रेंड बना ले, फिलोसफर बना ले। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये तीनों शब्द सिवाय गीता के किस पे लगाए जा सकती है, कि वो गाइड भी हो, फ्रेंड भी हो, फिलोसफर भी हो। बड़ी मैंने बुद्धि लगाई, आप मुझे बता दो, मैं बहुत ही आपका ग्रेटफुल हूंगा, आप ये तीनों शब्द किस पे लगाना चाहते हैं, वो गाइड भी हो, फ्रेंड भी हो, फिलोसफर भी हो, मुझे किसी पर लगा दो, कोई संत मतलब बताओ, महात्मा बताओ, कोई शास्त्र बताओ, कोई देवी देवता बताओ, कोई गुरु बताओ, ही मस्ट बी गाइड, ही मस्ट बी सेल्फलेस फ्रेंड एंड ही मस्ट बी फिलोसफर, अर्थात रियलाइज्ड सोल, फिलोसफर का या हमारा हिंदू लेगा रियलाइज्ड सोल, ये हम किस पे लगाए, आप हैरान हो जाओगे बेशक, आप मुझे बताइए, मैं मेरे बहुत ही शुक्रगुजार हूंगा, गीता के सिवा लगा ही नहीं सकती। मैंने देखा कोई बेस्ट गाइड तो है रेंडर, हां में हां मिला है, उसको शत्रु कहती है, उसको दोस्त नहीं कहते, वो तो वो है गाइड, आहा जो कमियों को दूर करे, हमारे अधिष्ठान है भाई भाई कृष्ण सुदामा जैसे कोई दोस्त नहीं हो गए, तो कृष्ण सुदामा का क्या किया, जो उसमें कमजोरी थी गुर्बत वो दूर कर दी। इस तरह गीता आपकी फ्रेंड है, जीवात्मा में जो कमजोरियां है वो सदा के लिए निकाल, यानी कि चार दिनों के लिए, चार महीनों के लिए, चार वर्षों के लिए निकालती, सदा के लिए, यो ज्ञान अग्नि में बुरे को कमल यहां पर फ्रेंड हुई। अब आज के बाद ये ना कह रहे, ये तो एक साइड है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, जो मुसीबत में काम आए आड़े वक्त बोला करो, जो मुसीबत में ना कहा करो आड़े वक्त, जो आड़े वक्त काम आए वही दोस्त कहलाए, पर आड़े वक्त काम आए ये तो एक क्वालिटी हो गई, जिसे नॉट डिसेप्शन क्वालिटीज, जो हमारी कमजोरियों को दूर कर सके, जो हमारे में ड्रॉबैक्स है, हमारे में फॉलिंग्स है, नादानियां है, उसको दूर करे, वो हमारा फ्रेंड। और फिलोसफर, फिलोसफर कौन होता है, फिलोसफर होता है ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी कौन होता है, वो तो है ही, वो तो ठीक है, पर हमारे लिए कौन ब्रह्मज्ञानी होगा, गीता कृष्ण क्या कहती है, वो तो अपने लिए हो गया ना, रियलाइज हो गया, इज हिमसेल्फ रियलाइज वेल एंड गुड, पर हम कहते हैं ये फिलोसफर है, फिलोसफी का विषय क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मेरे और प्रकृति के पीछे कौन है जो इन सारों को ऑपरेट कर रहा है, जो इन तीनों का युक्ति युक्त उत्तर दे उसे फिलोसफी कहती है। हु एम आई, व्हाट इज द नेचर एंड हु इज द ऑपरेटर बिटवीन अस टू, याद रखना मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है, और हम दोनों को कौन ऑपरेट कर रहा है, हम दोनों का संचालक कौन है, जो दलील के साथ आपको उत्तर दे के मना ले उसे बोलते हैं फिलोसफी। इससे बढ़ के फिर गीता से बढ़कर फिलोसफी कहां आएगी।
फिलॉसफी की होती बेटी, जिसे बोलते दार्शनिक विद्या, अपनी हिंदी बोलेंगे दार्शनिक विद्या। दार्शनिक शब्द कहां से बना? दर्शन करा दे बेटी, जो आपको दर्शन करा दे वो दार्शनिक। तो ये ब्रह्म विद्या आपको भगवान के आमने सामने खड़ा कर देती है, नर को नारायण के सामने खड़ा कर दे, वो है फिलॉसफी। हमारा हिंदू धर्म ये कहता है, अंग्रेज कुछ और बकवास करते हैं, लेट देम चैटर लाइक एनीथिंग, तुम हमारे सामने और हम तुम्हारी नर नारायण के सामने खड़ा कर दे, ये है फिलॉसफी। नर को नारायण के सामने खड़ा कर दे, उसे हम कहते हैं फिलॉसफी। क्योंकि हमारा दार्शनिक विद्या दर्शन करा दे, दर्शन से का एडजेक्टिव बची, दर्शन का विशेषण बनाइए दार्शनिक। तो ये दार्शनिक है विद्या जो बता देती है तेरा जन्म इसलिए हुआ, और ये प्रकृति जो नजर आती है ये गए इन सात हिस्सों में फितरत मेरी, और मैं कौन हूं, सृष्टि बनाने वाला, सृष्टि चलाने वाला, और सारी सृष्टि को अपने में समेट लेने वाला। बेस्ट तारीफ की भगवान ने अपनी, मैं इसका रचयिता हूं, मैं इसका पालन करता हूं, और मैं ही इसको अपने में लेने वाला हूं। मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं आदि में, मैं मध्य में, मैं ही अंत। आप इन तीनों का युक्ति युक्त उत्तर पढ़ेंगे विद आर्गुमेंट विद लॉजिक, उसको कहते हैं मेरी देवियों मेरे सज्जनों दार्शनिक विद्या, ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिक विद्या या फिलॉसफी। इससे पढ़ के फिलॉसफी कहां से आई, कितना चोटी का विस्तार किया है हमें अपनी इंट्रोडक्शन देने में, अपना परिचय, प्रकृति का परिचय और भगवान का परिचय, जितना गीता जी में आपको किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। इसलिए गीता इज द बेस्ट गाइड फ्रेंड फिलॉसफर, कितनी अच्छी गाइड है। गाइड होती जो पथ प्रदर्शिका हो, गाइड को आप उर्दू बोलेंगे रहनुमाई जिंदगी, इससे बढ़ के हमारी रहबरी कौन करेगा। रहबरी होती है राह पर, राह पे कोई जा रहा था, भाई तो मुझे हैरान नजर आते हो, किसी ने पूछा, हाँ राह पे जा रहा था, राह पे जा रहा हो उसका एक शब्द क्या है, राही, बहुत अच्छे। अब उस राही से दूसरे राही ने पूछा, तुम उदास नजर आते हो, मैंने फला जगह जाने पर, ये तो गलत हो गया, तुम तो ये तो पहुंचा देगा आपको स्टेशन के ऊपर सड़क, ये थोड़ा है, तू तो पीछे रह गए। और मैं तुम्हें बताऊं तो जो पीछे मोड़ के ले जाए उसके गंतव्य स्थान तक, उसे राह बर बोलते हैं। हाय 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 हाय, जो उसके गाइड कर दे और पीछे मोड़ के ले जाए, राह बर। अपनी भाषा में कहेंगे पथ प्रदर्शक, पथ में रास्ता, प्रदर्शक मैंने दृष्टा दिखाने वाला है। तो गीता जी से बढ़कर रूहानियत की रहबरी कौन करेगा। मैं एक एक शब्द धर्म कंडे पे तोल के बोल रहा हूं, गीता से बढ़कर हमारी रहबरी कौन करेगा और हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। कितना प्यारा शब्द है मार्गदर्शन, इससे बढ़कर के और पथ प्रदर्शिका कौन कर सकता। हमारे अहभाग्य इस जन्म में हम उस चोटी के मां शास्त्र के अधीन हुए गए, तो भगवान का सहारा कैसे ले, उनके उपदेश के सहारे से, उनके उपदेश के। अच्छा जी फिर प्रश्न करो मेरे पर, भगवान के उपदेश का सहारा कैसे लिया जाता है। सुनो पहले ये बात पक्की कर ले कि जो भगवान जी उपदेश दे रही हैं, मेरी मांग इनके उपदेश से पूरी हो जाएगी। मेरे मनुआ, समझाना तो मन और बुद्धि को है, ऐ मेरे मन, मन से बातें किया करो, ऐ मेरे मन तू सदा रहने वाली शांति चाहता है ना, भगवान तुझे सदा रहने वाली शांति दे देंगे। और इसमें गीता जी का विस्तार है और साधन बताएंगे। अच्छा हाँ, तुझे इससे वो मिल जाएगा और सदा रहने वाली शांति तो प्राप्त कर लेगा। अच्छा ये बात इसके मन में गहरी उतार दो कि जो तेरी मांग है वो भगवान के उपदेश से पूरी हो जाएगी। अच्छा अब मन क्या करेगा, अब ये बात बैठ की गहरी उतारो गहरी, हाँ अब क्या करेगा मन, जो भगवान जी कह रही है उसे अपने दैनिक जीवन में उतारेगा फौरन। इसके बाद मेरे कहने की जरूरत नहीं, किसी और के समझाने की जरूरत नहीं, जो भी मेरे प्रभु इस पर आप पढ़ोगे ना, तो ये पढ़ना क्या होगा, आप ये नहीं कहेंगे मैं गीता पढ़ रहा हूं, नहीं। आप ये नहीं कह मैं स्वाध्याय कर रही हूं, नहीं। आप ये नहीं कहो मैं गीता का परिशीलन कर रहा हूं, नहीं है। फिर
कहूंगा, मैं और आप क्या कह रही थी, ट्रुथ बाप उतर गई है कि गीता ही मेरी जो जन्मों से मांग है पूर्ण शांति की पूरा करेगी, तो फिर मैं गीता को कैसे पढ़ूंगा, फिर पढ़ना ना होगा, क्या होगा, गीता मेरी गुरु बन जाएगी और जो मैं पढ़ूंगा उसे आज्ञा समझूंगा और गुरु की आज्ञा का पालन करना मैं परम धर्म समझूंगा। हाय 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 हाय, इसके बाद तो मैं समझा ही नहीं सकता, इसके बाद कोई भी प्रचारक क्या बोले, फिर गीता हमारी गुरु बन गई और इनका जो उपदेश क्या बन गया, आज्ञा, उपदेश भी नहीं, मेरे हम जिज्ञासु हैं, हम साधक हैं, हाँ हमारे लिए यह बनेगी आज्ञा, भगवान की कमांडमेंट है बेटे, कमांडमेंट, हाँ, और इसका पालन करना मेरे लिए परम आवश्यक, मेरी जान भी जाए लेकिन मैंने करना हुई जो मेरे भगवान आज्ञा दे रही। फिर भगवान का एक एक जो शब्द मेरे और आपके लिए आदेश हो जाएगा, अपनी भाषा बोलेंगे आदेश, संदेश भी नहीं, उपदेश भी नहीं, मेरे और आपके लिए गीता क्या फरमान क्या हो गया, गीता का फरमान मेरे और आपके लिए, फिर बोलो, गीता का फरमान मेरे और आपके लिए आदेश, आदेश, जरा जान से बोलो, गीता का फरमान मेरे और आपके लिए आदेश, अर्थात उनका हुक्म है, यही अर्जुन के मुंह से कलवाया भगवान ने, बजा लाऊंगा आपके हुक्म से, अखीर में अर्जुन ने यही कहा, किस्ये वचनं तप, आप जो मुझे आज्ञा दे रही गए, हां सिर कटा सकता हूं लेकिन इनकार कर सकता नहीं, मैं सिर कटा दूंगा अपना लेकिन अब मुझसे इनकार नहीं होगा, क्योंकि पता चल गया दिल है मजबूत, अब मेरा मन वेरी वेरी पावरफुल है, ऐसा मान लेना कि ये तो मेरे भगवान का, मेरे गुरु के गुरु का उपदेश है, अब मेरी जान जाए पर मैंने करना यही है जो मेरे भगवान ने कहा। बस थोड़े ही दिनों में मेरे भगवान के चरण साक्षी हैं, भगवान की जात में समा जाओगे, थोड़े ही दिनों में बेटे, थोड़े ही दिनों में आप भगवान की जात में गए हैं, समा गए, आप कहेंगे कैसी, मन का संकल्प विकल्प बंद, मन की भटकन बंद, मन पूर्ण एकाग्र, तो जिसका मन पूर्ण एकाग्र होता है उसी नेक बख्त जीव के लिए रब ने कहा है रहम उसकी हालत पे, लोग अब भगवान कह रहे हैं घर उसके दिल में बना है, उसी मोस्ट लक्की सोल के लिए रब ने कहा है कि मुझे बड़ी दया आ जाती है, उसने चारों ओर से मन हटाकर मेरे लिए लगा, यही आपका हाल होता है, पिताजी पेट मरे, माँ पेट मरी, भाई पेट मरा, भाभी ने कितनी मिनट के लिए करना, मैं भाभी हो मेरे पिताजी, अगर आपने मेरी मां शादी नहीं की उसकी लाश निकलेगी, आप उसकी जान ना लोगो, इकलौता बेटा है अपनी मां बाप का, मैं उसकी जान कैसे ले लू, वो मर जाएगा, वो नहीं जिंदा रह सकता, देख लीजिए आप, भगवान भी ये सिद्ध करती है, अरे जिसकी चारों ओर से मन आता कि मेरे में लगा लिया हुई है मेरा भक्त, चारों ओर से मन हटाकर भगवान में लगा लिया, एक शब्द बोलो अनन्यता, बस एक शब्द अनन्यता, हाय हाय कितना प्यारा शब्द है, अन्य की ओर नहीं जाता जिसका मन, अंग्रेजी में मैं क्या बोलूं, एक्सक्लूसिव ड्यूटी ऑफ ऑलमाइटी, और कोई शब्द नहीं अंग्रेजी के अंदर एक्सक्लूसिव, चारों ओर से एक्सक्लूड कर लिया अपने मन को, ड्यूटी ऑफ ऑलमाइटी, इसको बोलते हैं अनन्यता, अनन्य के लिए भगवान सब कुर्बानियां कर देते, अनन्य के लिए ही भगवान ने कहा है कभी मैं उसे छोड़ सकता हूं, क्योंकि उसे चारों ओर से मन हटा लिया, जैसे प्रसंग चल रहा है भगवान करे सुनने वाले इसी तरह अपने मन को एकाग्र कर ले, इतनी मेरे इष्ट देव जी कृपा करे आप सब पर, मेरे से भी ज्यादा कृपा आप पे करे मेरे प्रभु, कि आपका मन चारों ओर कहीं लगाने योग है ही नहीं, मन हमने तो बेवकूफी की है जो फसाई इधर फसा इधर फसा इधर फसा ना है, हमने तो नलैकी की, इसलिए एक मंत्र एक जगह लगाने योग भगवान में, बड़ी जल्दी तली चारों ओर से मन हटके भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं,
इतनी कुर्बानी, जैसे आपने कहा इतनी कुर्बानी उस लड़की की कि हर तरफ से माना टाकर मेरी भी लगाया हुआ है, दिन रात मेरे ही चिंता का लानत है मुझे अगर मैं उसे धोखा दूं तो, ऐसा तो कहती है। तो भगवान कर तेरी में तो दया थोड़ी सी है, जो दया के घर है वो कितने खुश होते होंगे कि चारों ओर से माना टाकर केवल मेरे में लगा रखा है, कभी मैं उसे छोड़ सकता। इधर भी लावा फेर चलती है और रब दी सौ मेरे भगत के भी लावा फेर चलती है, वो भी नहीं छोड़ सकती और भोग भी प्रभु नहीं छोड़ सकते, अपने प्यारे को नहीं छोड़ सकती, उसे चारों ओर से मन अटा के एक में लगा लिया, इसी एकाग्रता कहती है। अब एक में तब लगे ना जब उसकी पूरी वैल्यू बढ़ाए, पूरी इंपॉर्टेंस उसको दे कि मेरी पूरी शांति मुझे मिली ही नहीं से। हाँ बड़ा अच्छा तरीका है मेरी देवी, पूरी शांति मेरा पूरा कल्याण होना इससे गए। गीता कोई श्लोक बोलो जो भगवान ने ये कहा हो, जब जीव को यह समझ आ जाती है कि पूरा कल्याण मेरा होना ही नहीं से गए। वो याद है श्लोक, शाबाश शाबाश, जो पुरुषोत्तम स्तरे 15वां अध्याय के आखिर में दिले हक नजर से जो माने मुझे तो भारत समझ बाखबर, जो बाखबर हो गया वो तन मन से करता है। आए बड़े मार्के का श्लोक, बड़े मार्के का उपदेश मेरे भगवान का, वो तन मन से करता है भक्ति, चूंकि उसने भगवान को उत्तम जान लिया, जाना नहीं मान भी लिया, वो तन मन से करता है भक्ति। आहा अच्छा जी, भक्ति तन मन से करेगा तो क्या होगा, वो भक्ति से मेरी मुझी जान ले कि मैं कौन हूँ क्या हूँ पहचान, बाकी क्या रह गया मेरी भगवती, बाकी क्या रह गया, उसने जान लिया पूर्ण प्रेम मान लिया, अब क्या रहेगा, भगवान करे सब मेरी माताएं मेरी बेटियां मेरे बुजुर्ग मेरे भाई जो अपने कल्याण के लिए तशरीफ लाती हैं इस तरह बन जाए। ये मेरे मन की बड़ी लालसा है, ये मेरे मन में बड़ा लोभ है कि आप सब इस तरीके से बन जाए, ऐसी अवस्था मेरी देवियां बना ले तभी सत्संग का लाभ है। वरना सिर्फ सुन लिया वाह वाह कर ली, कोई ठोस लाभ तो है, ठोस लाभ नहीं, लाभ तो है ठोस लाभ नहीं। आपको नौकरी तो नहीं मिली लेकिन आप जाती हैं और डेली वेजेस पर रखा हुआ, डेली वेजेस आपके दिन बन जाएंगे, एतवार निकाल के छुट्टियां निकाल के इस महीने में 20 दिन बन गए, 20 दिनों के वेजेस मिल जाएंगे, 20 दिन की तनख्वाह मिल जाएगी, नौकरी तो इसको क्या कहेंगे, वेजेस कहेंगे कि थोड़ी सी पारिश्रमिक, हिंदी बोलती है परिश्रम कुछ किया उसका मिल गया कुछ पारिश्रमिक, इसको नौकरी नहीं कहेंगे, पारिश्रमिक मिल जाता है, जो आपने कुछ मेहनत किया उसका फल आपको मिल जाता, नौकरी नहीं है। इस तरह यहां के पूरा कल्याण तन हुआ पर पारिश्रमिक मिल गया, क्या मन एकाग्र हो गया, समय सफल हो गया, आयु सफल तो ना हुई, नौकरी तब जब परमानेंट वहां पर काम मिले और महीना भर हम रहे चाहे छुट्टियां हो तो भी हमें पेमेंट मिले, जीवन हमारा सफल हो जाए, हमारा मन बुद्धि और तन महाराज जी में तलीन हो जाए, ये हो गई जीव का ठोस कल्याण, सत्संग का ठोस, खासकर गीता जी का ठोस कल्याण। रब ने एक एकांत में आपको बिठा रखा है और प्रसंग चला दिया, हम एकाग्र कैसे रहें, पूरी मात्रा अपने भगवान को दे दे, हमारा मन भगवान में लगा रहे, इन सबसे इन भले ही इनमें रहेगा लेकिन इनका बन के नहीं रहेगा, इनका रहेगा इनका बन के नहीं रहेगा। किसी का बन के रहने का अर्थ क्या होता है, कोई मुझे समझाए, किसी का बन के रहना, मैंने कहा हम इनमें रहेंगे पर इनके बन के नहीं रहेंगे तो आप क्या समझ रहे हैं, आशा नहीं रखेंगे, उपदेश का पालन करेंगे, बोलो बोलो अर्जुनोवाच हो जाए जरा, चित संजयवाच अर्जुनोवाच धृतराष्ट्रोवाच बोलो जरा, सहारा इनमें रहेंगे लेकिन इनके बन के नहीं रहेंगे, आए बस बस ये जवाब आ गया, इनको संकल्प विकल्प भी नहीं लाएंगे, इनका बन के ना रहना क्या मतलब, उनका चिंतन नहीं होगा, आएगा 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 बेटे, हम जिनके बन के रहती उनका चिंतन होता है, हाय हम जिनके बन के रह रहे हैं तो उनका चिंतन होता है, हम इनमें रहे पर इनका चिंतन ना चले,
वेरी गुड। इसको भगवान का उपदेश हो गया, तन काम में मन तो भगवान का चिंतन कर रहा होगा, ये हमारे भगवान का आदेश कह लो, उपदेश कह लो, कि मन द्वारा भगवान का चिंतन हो, तन द्वारा अपने फराइज पूरी कर रहे, अपने जो कर्तव्य उसको तो हम एग्जीक्यूट करें, लेकिन मन ना उलझाए इनमें, अर्थात इनका चिंता ना करे। लेगाबाजी, ये नुक्ता पकड़ लो, इनका भले आपका पति देव है, पत्नी है, पुत्र, इनका चिंता ना करो, इनकी सेवा तो करो, इनके लिए जुट जा मेरी बेटी, और तुझे परमात्मा की कसम इनका चिंता ना कर। कहां गीता जी में लिखा है, बोलो कम ऑन, बोलिए, इनका चिंतन ना हो। भगवान ने बड़ा करारा फरमान कहा है कि अगर इनका चिंतन करेंगे इसी, और भगवान ने कहा भी एक बार है, पता नहीं क्यों भी करे, कहीं सारे ना भगवान दुनिया को उल्ट हो जाए, ऐसे जितने इनकलाबी पॉइंट है भगवान ने एक या दो बार कहा है, बस ज्यादा नहीं कहा, विस्तार नहीं किया, इंसिस्ट नहीं किया, एम्फिसाइज नहीं किया, अनुरोध नहीं दिया, लो एक बार सिर्फ सारी गीता जी में पढ़ना, कौन नालायक, अगर तू इनका चिंतन करेगा जिंदगी लगाए जो महसूस, इसका कुपरिणाम दिखा दिया, नेगेटिव साइड में ले लिया, जायल हुई अकल आया सो नहीं, या यू कह दिया इसके, ये तो नेगेटिव साइड से कहा, पॉजिटिवली कहा, सदा मेरा पैगम जी से लो, ये दोनों फरमान है सारी गीता जी के अंदर, सदा प्रभु का चिंतन, इनका चिंतन तो न करें, हाँ इनके फर्ज पूरे कर दे, चिंतन अपने भगवान का हो, तो हम भगवान के बन, दुनिया में रहे पर दुनिया के बन के ना रहे, अर्थात जब जी चाहते उनके बन के ना रहना, अर्थात उनका चिंतन ना हो, मन उनके बारे में सोचे नहीं। अगर ये इंसान या आप जैसे नेक जीव इस बात को जान ले, चौकड़ियां भरते हुए भगवान की जात में तलीन हो जाओगे। अगर कोई अभी बैठा हुआ कसम खा ले कि मैं चिंतन केवल भगवान का करूंगा, थोड़े दिनों में आप देख लेना आप कहां हैं और मैं कहां हूं, विद इन फ्यू डेज सिर्फ ये मन में कि मैं चिंतन भगवान का करना, तो भगवान का तो तख्त हिल जाता, क्योंकि चिंतन भगवान का करने से भगवान की शक्तियां आने लग जाती है, मन एकाग्र होने लग जाता है, तो भगवान कोई 10 मंजिलों से नीचे उतरेंगे, वो तो मेरी और आपकी जान प्राण है, जो ये कह सकता है वो कितने हमारे नजदीक है, दरू और बरू दम में आता हूं मैं, ये चारों गिजाएं पता कितने हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट है, कितने हमारे निकटतम और प्रियतम है, कि ये जो श्वास अंदर जा रही है बाहर आ रही है, इसे प्राण बोलते हैं, अंदर लेना और बाहर निकाल देना, अपान प्राण, अपान इनहीलिंग एक्सहीलिंग, तो ये भगवान कहते हैं ये कैसे, इनके पीछे मैं हूं, तब प्राण अंदर जाता है, अंदर गंदी हवा लेके मैं बाहर छोड़ देता हूं, ये मेरे कारण से, तो कितने नजदीक हो गए, सिर्फ जीव संकल्प विकल्प से खाली नहीं हो रहा। लो आपने मुझे या खड़े होकर आवाज दी, बाबा जी आपने इतने नजदीक है, देख मैं एक दृष्टांत देता हूं, बाबा जी आपने धीरे धीरे से कहा, मैं इधर आंखें खोले बैठा हूं, आपने ऊंचा बोला, बाबा जी, बाबा जी, 3-4 बार आपने कहा, मैं इतने नजदीक हूं, सुन क्यों नहीं रहा, सुनता तो मन है, कान तो नहीं सुनते, वो इधर कोई चीज पता नहीं क्या है जिसमें मेरा मन और मेरी आंखें लगी पड़ी है पूरी, इतने नजदीक बोलने पर भी महापुरुष कहती है क्यों नहीं सुन रहा, विकास आई एम ऑलरेडी प्री एंगेज्ड, वो इतने नजदीक हमारे भगवान है, मैं और आप क्यों नहीं अनुभव करते, क्योंकि मन हमारा प्री एंगेज्ड फंसा पड़ा इनके अंदर, इतने नजदीक में मुझे बाबा बाबा कह रहा और मेरी मुझे सुनता नहीं, मैं क्या ऊंचा सुनता हूं, आई एम हॉल्ड ऑफ हियरिंग, नो मैं हॉल्ड ऑफ हियरिंग नहीं हूं, देन क्योंकि मेरा इससे साबित होता है कान नहीं सुनते मन सुनता है, एंड मन इज प्री एंगेज्ड, वो इधर पता नहीं क्या चीज है जहां से मेरा मन पूरा लगा पड़ा है, इस तरह प्राणी पदार्थ में जब तक हम उलझे रहेंगे इतने नजदीक रब को भी अनुभव नहीं कर पाए, मन में रख लेना मेरी देवी,
इसलिए रब कहता है इनके बन के ना रहो, इनका चिंतन ना करो, इनके कर्म करो। यही रब को मैं शिकवे देता हूँ। अगर इंसान बनाना था ना मेरे कृष्णा, तो जब इंसान को पैदा कर रहा था यही बात समझा देता, मैं तुझे अपनी दुनिया में भेज रहा हूँ, चिंतन मेरा करना, कर्म संसार के करना। भाई इतनी सी बात हमेशा के लिए मन में रख देते, चिंतन तो मेरा कर, उसको मैं ही चिंतन करने योग्य हूँ। हाँ ये व्यवहार करने योग्य है। बहुत पता नहीं हमारी कितनी सुगति होती, सिर्फ इतनी सी बात, हम चिंतन कर 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 करके मर गए। चूंकि चिंतन करने से मोह पैदा हो जाता है, चिंतन करने से क्रोध पैदा होता है, चिंतन इनका चिंतन करने से क्या काम की वृत्ति पैदा हो जाती है, इनका चिंतन मोह लोभ पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा, इनका चिंतन करने से, परमात्मा के चिंतन करने से विवेक आ जाता है, वैराग आ जाता है, भक्ति आ जाती है, शक्ति आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, एकाग्रता आ जाती है, तल्लीनता हो जाती है, दीदार हो जाता है। मेरे रब्बा मेरे रब्बा, उनके चिंतन करने में कितना पॉजिटिव एक्शन है और इधर कितना नेगेटिव रिएक्शन है। आप बड़े दनाह है, बहुत मेरी विदुषी बेटी आई बैठी है, गहराई में उतर जाओ, दोनों में कंपेयर कंट्रास्ट कीजिए। अगर मैं संसार का चिंतन करता हूं इसका रिएक्शन वेरी वेरी बैड, और अगर मैं भगवान का चिंतन करती हूं तो वो कोई वेरी वेरी यूजफुल नहीं, फ्रूटफुल, वेरी वेरी फ्रूटफुल। अब हमारा मन झुक जाएगा भगवान जी। मेरा यहां सुनाना अपने लिए आप सबके लिए सफल हो जाएगा कि नहीं भाई हम तो अब भगवान का चिंतन करेंगे, क्योंकि हमारा लोक परलोक बनना इस तरीके से, हम बड़े दाना कहलाएंगे भगवान की नजरों में अगर भगवान का चिंतन जारी हो जाए। कि बस मेरे चिंतन तो अपने प्रभु का करूंगा, उसी में मेरा लाभ है, बाकी मैं किसका चिंतन करूं जो मरने वाले को, जिसके लिए रब कह रहा है। यही मैंने मन को समझाया था जंगलों में बैठे हुए, हिस्सा 51 की बात है, 52 की बात, 53 की बात, 56 की बात, जब मैं बिल्कुल एकांत में था बाहर, यही मन को समझ, तेरा रब तेरे परमात्मा कह रहे मन किसी की ना कुछ बात, अब भी तो चिंतन करेगा नहीं, खुद ही मैं अपना सवाल बनता था, खुद ही मैं अपना जवाब बनता था, अब तो चिंतन कर रहा करेगा इसको नहीं। देख परमात्मा कह रही है किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी। अब तो तू मन कर, जब मन नहीं अभ्यास कर रहा था तो चिंतन कभी पिताजी का आ जाता है, कभी मां का आ जाता, कभी अपनी पढ़ाई का आ जाता है। मेरे रब्बा बैठे हैं घोर जंगल के अंदर और चिंतन किसका हो रहा है, समझा 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 के ऊपर से मालिक की मेहर कर देती है, फिर मन टिक जाता है, मन स्टेबलाइज हो जाता। आप भी ऐसा ही बार बार कह के पुरुषार्थ कीजिए, टाइम एंड अगेन अपने मन को समझाइए, मन में मरने वाले को क्या चिंतन, ये तो जाने वाले गए, अगर मर के छोड़ा तो हमारे लानत पड़ेगी, अगर जिंदगी में इनका चिंतन छोड़ दिया हमें तलीनता मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। याद रखना, अगर इनको मर के छोड़ा वासना चला तो लानत भगवान की ओर से, क्योंकि जन्म मरण का चक्कर होगा, अगर जिंदगी में इनका चिंतन छोड़ के भगवान के चिंतन में लग गए हम मुक्त हो गए। दोनों छोड़ती है, रब का प्यारा भी दुनिया छोड़ता है, जहान का प्यारा भी, रब का प्यारा रब से प्यार करके जा रहा है तलीन हो गया, दुनिया का प्यारा दुनिया से प्यार करके दुनिया की कामना लेके जा रहा, जन्म अहले किरदार में आके भगवान कहते पर ऐसे घराने में वो आया क्या आया। दोनों छोड़ते हैं जहान को, ज्ञानी भी अज्ञानी भी, ज्ञानी भगवान की जात में रह के जाता है तलीन, अज्ञानी दुनिया के चिंतन में मरता है, इसलिए बार बार जन्म बार बार मर। चूंकि अपनी इंडियन साइकोलॉजी का नियम क्या है, इंडियन साइकोलॉजी कह रहा हूं, नियम क्या है, क्या हम क्या जहां मन वही हम, ये हमारा सिद्धांत है हमारी भारतीय मनोविज्ञान का, वी आर देयर वेयर आवर माइंड इज, नॉट देयर वेयर आवर बॉडी इज। हाय ओ मेरे रब्बा, वही हम वही रहती है जहां हमारा मन रहता है, ना कि जहां हमारा तन रहता। कितना छोटी का सिद्धांत है मेरी देवियों,
तो मानसिक रूप में प्रभु का चिंतन और मालिक के संग उड़ारियां भरते जाएंगे। अगर मानसिक रूप जहान का चिंतन भले ही आप कहीं रहे पर आप उनके साथ है और वो गहरे उतर जाती है, बार बार के चिंतन करने से वो और भी नीचे चले जाती है। अच्छा जी, किसी का चिंतन करने से वो गहरे उतर जाती है, इसके बाद कौन सा स्टेशन आता है जहां इंसान ने मार खा लेनी है। मैं आपका चिंतन कर रहा हूं, आप मेरे मन में गहरे उतर गए, इसके बाद क्या होगा? क्या मतलब? पुत्र बेटो सुनो, उसकी प्राप्ति की इच्छा, कामना से मतलब नहीं पूरा होना, अगर यूं कहोगे उसकी प्राप्ति की कामना, यूं कहो मेक योर सेल्फ मोर क्लियर ताकि ये अनाड़ी मन जल्दी समझ जाए। बेटे उसकी प्राप्ति की इच्छा होगी, आपको क्यों प्राप्त, यंग मैन प्राप्त करता, आप चिंतन कर 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 करके आपके मन में गहरा उतर गया, गहरा उतर गया, अब आपकी प्राप्ति चाहता है, मुझे ये चीज मिल जाए। कोई ऐसे नहीं दिल करता प्राणी प्राप्त, पहले हम सोचते रहते उनके बारे में, सोच सोच के मन में गहरे उतर गए, तो गहरे उतर जाने के बाद वो कामना का रूप ले लेती है, कामना का मतलब प्राप्ति का रूप ले लेती है। अब जब ये चीज मिले नींद नहीं आएगी, मिलती नहीं, कैसे मिलेगी, ये बार बार आपको भूख नहीं लगेगी, रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपने वस्त्र गहरा उतार लिया। शुरू में अम्मा हमारी बता देती, पुत्र रब का चिंतन करना संसार का चिंतन नहीं है। आहा, इन्हें मिट्टी दी मूर्ता नाल प्यार ना करी, वो सोनी जिंदगी वो सोनिया ख्वार ना करी, इन्हें मिट्टी दी मूर्ता नाल प्यार, इतनी सी बात ही कोई समझा देता कि ये मिट्टी की मूर्ति है, टूट जाएगी। बस अब भगवान का चिंतन, अब एकाग्र रहेगा मेरा मन भगवान के साथ, लगे बाजी आओ, चाहे मौत आज जाए या 100 दिन बाद आए, अगर मन में टिक गया, मन में मन एकाग्र विषय चल रहा है, हमारा मन स्थाई रूप से एकाग्र कैसे हो, यानी 2 घंटे के लिए 2 दिन के लिए नहीं, स्थाई रूप से परमानेंटली हमारा मन एकाग्र रहे, भटके नहीं, क्योंकि मैं फिर के बोल रहा हूं, मन की भटकन का नाम दुख है, मन के टिकाव का नाम सुख है। देन इट मींस वी वांट परमानेंट टिकाव, परमानेंट स्टेबिलाइजेशन, परमानेंट स्टेडफास्ट स्टेडफास्टनेस, कमर बिल्कुल हमेशा टिकाव, फिर यही तरीका है हमेशा रहने वाले में गुण देके उसकी महत्ता जाने, मन भगवान में रख, विषय जारी रहेगा, हम और गहराई, बड़ा कल्याणकारी विषय स्थाई एकाग्रता हम कैसे प्राप्त करें, परमानेंट कंसंट्रेशन, फ्रॉम वेयर वी शुड अटेन या ऑब्टेन, हाउ वी शुड अटेन परमानेंट कंसंट्रेशन, बड़ा जरूरी मजमून है जो आपकी बुद्धि में मैं समझा सकूं, आपके मन में मैं रख सकूं, हमारे बड़े काम का है। मेरा मन स्थाई रूप से एकाग्र कैसे हो, स्थाई रूप से एकाग्रता के बाद समाधि है। एकाग्रता के दूसरे तीसरा सेक्शन है समाधि, चौथा है प्राप्ति अनुभव। हाँ, 4 स्टेशन है सिर्फ, याद रखना, पहला स्टेशन पवित्रता प्योरिफिकेशन, दूसरा स्टेशन एकाग्रता, तीसरा स्टेशन ध्यान, चौथा स्टेशन रियलाइजेशन। ये एकाग्र पवित्रता, एकाग्रता, ध्यान, प्राप्ति, दर्शन, आज तक ना 5 स्टेशन बने ना 3 बने, केवल 4। प्योरिफिकेशन, अच्छा बाबा, कंसंट्रेशन, दूसरा स्टेशन, अच्छा बाबा, तीसरा मेडिटेशन, अच्छा बाबा, लास्ट एंड फाइनल रियलाइजेशन। बिठा लो अपने मन में, इन 4 को मुझे धीरे धीरे करके आपके मन को ले चलना है, भगवान की ओर बढ़ने में 4 स्टेशन है, केवल 4। पहले मन को निर्मल कर ले, फिर मन को एकाग्र कर ले, फिर मन को जमा दे ध्यान में, फिर अपने प्रभु के दर्शन करके तलीन, पवित्रता, अच्छा बाबा, एकाग्रता, हां, ध्यान अवस्था और अनुभव रियलाइजेशन। अब आप कहां खड़े हो, अपने अंदर गोता मार लो, प्योरिफिकेशन पे हो या कंसंट्रेशन पे हो या तीसरे मेडिटेशन पे हो या चौथे रियलाइजेशन पे हो,
आप कहां, वेयर यू स्टैंड, धीरे करके देखिए। अभी तो हमारा विषय चल रहा है परमानेंट कंसंट्रेशन कैसे हो, स्थाई एकाग्रता बारे में कैसे जमे। यदि हम भगवान को स्थाई माने और भगवान से ही सब कुछ लेने की उम्मीद रख ले, हमारा मन सारों से हटके उस एक में लग जाए, उस एक में। जो भी विचार आज आपको अच्छा लगा हो, घर में जाके विचार कर लो, जो भी विचार आज जो एक घंटा सवा घंटा आपको दिया गया, जो विचार बड़े स्ट्राइकिंग और अपीलिंग जो एकदम मन में घर कर गया हो, चुभ गया हो, जाके विचार करना, सोचना कि ये आप ऐसी में बन जाओ, ऐसा मेरा मन अपने इष्ट देव भगवान जी में टिक जाओ, जैसा ये मुझे बताया गया गीता के माध्यम से या गीता के मीडियम से, बस ऐसा मेरे मन बन जाए। लगे बाजी और सजनों, अगर आपका मन एकाग्र रहे, लगे मेरी देवी आपका मन अगर एकाग्र रहे, आहा बिल्कुल वही, इसका सारा भगवान ने एक ही दृष्टांत दे दिया एकाग्रता का, इससे बढ़कर दृष्टांत त्रिलोकी में नहीं हो सकता, चाहे ब्रह्मा भी पेट मरे उसके पास इससे बढ़कर एकाग्रता क्या, एकाग्रता क्या, इससे बढ़कर कोई क्या समझाएगा जो भगवान ने छठे अध्याय में समझाया, क्या हाय हाय। हवा की न हो मौज जुम्बा की रो, तो लर्जे कहा शम्मा रोशन की लो, यू ही होगा योगी को हासिल सबात, ख्याल उसके वश में मन में। दृष्टांत भी दे दिया, सिद्धांत भी दे दिया, दृष्टांत दिया वायु के झोंके ना आए इसलिए खिड़कियां रोशनदान दरवाजे बंद किए हुए हो, तो अंदर जो दीपक जल रहा है उसकी लो सीधी जल के पूरा प्रकाश कमरे में देगी, कितना अच्छा दृष्टांत। अगर वायु के झोंके रोशनदान से या खिड़की से आ रही हो तो जो आपकी मिट्टी की दीप शिखा है वो यू लरसेगी, पूरी प्रकाश नहीं जाएगा, शायद बुझ भी जाए। जिसके मन में संकल्प विकल्प आ रही हो और नाम भी जप रहा है तो नाम जपना ही बंद कर देगा, मन उगता जाएगा। हाय कितना सुंदर दृष्टांत दिया, हवा की ना हो मौज जुम्बा की रो, तो लर्जे का क्षमा रोशन की लो, अगर वायु के झोंके के साधन बंद कर दी अलमारियां खिड़की दरवाजे तो दीपक का जो दीपक की लौ है उसी दी जाएगी। इसी तरह जिसके संकल्प विकल्प बंद हो गए वो भगवान की जात को समा जाएगा। पहले दृष्टांत फिर सिद्धांत, दृष्टांत दे के भगवान ने आपको सिद्धांत दे दिया, इससे बढ़ के दुनिया भर में कोई भी एग्जाम्पल नहीं हो सकती। संकल्प विकल्प काम करती है हवा की झोंकों का, और मन की एकाग्रता का दृष्टांत दिया गया दीपक की जलती लौ, जिसे दीप शिखा बोलती है, दीप शिखा वो बिल्कुल ही लरसेगी जबकि वायु को झोंके ना आए तो पूरा प्रकाश देगी। संकल्प विकल्प आके मन को हिलाए नहीं, मन पूर्ण एकाग्र हो गया भगवान की जात पे तभी। अब ये एकाग्र ऐसी अवस्था कैसे बनाए, ये गीता का विषय है और मेरे जैसे खोजी का धर्म है उस विषय के ऊपर और खोज करना, उस विषय पर और प्रकाश डालना। ये विषय हमारे लिए बड़ा जरूरी और बहुत कल्याणकारी साबित हो रहा है, होगा, लेकिन सामने ये रखना कि मैंने अवस्था क्या बनानी है। क्या जैसे कि दीपक जल रहा हो और वायु के झोंके आके छेड़छाड़ ना करे तो दीपक की लौ पूरा प्रकाश देगी, क्योंकि वो इधर उधर हिलेगी नहीं। इस तरह जिस लेख जीव के मन में संकल्प विकल्प बंद हो गए हाँ यूं होगा योगी को हासिल समाप्त। अगर योगी ऐसा अभ्यास करता रहा समाप्त कहते टिकाओ, तो योगी के मन का टिकाओ ऐसा होगा ख्याल उसके वश में मन में, संकल्प विकल्प उसके वश में हो जाएंगे, संकल्प विकल्प के झोंके नहीं आएंगे और मन भगवान में तल्लीन हो जाएगा। विषय चलता रहेगा, हम इसका लाभ उठाते रहेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।